नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है और धमकी ये दी गई है कि अगर 10 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं वो मुख्यमंत्री पद से तो उनको जान से मार दिया जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी सीएम को कई बार धमकी आ चुकी हैं। अब ऐसे में जैसे ही धमकी सामने आती है पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं और उसके बाद तुरंत इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इसकी जो तार है वो महाराष्ट्र से भी जुड़ रहे हैं। जानकारी मिल पा रही है कि महाराष्ट्र का कोई बंदा है जिसने धमकी दी है, लेकिन ये सब जांच के विषय हैं जिसको लेकर प्रशासन लगातार जांच कर रहा है। लेकिन बड़े सवाल ये खड़े होने लाजिम हो जाते हैं कि आए दिन धमकियाँ मिलना, मुख्यमंत्री के साथ साथ अभी पप्पू यादव को भी धमकी मिली थी, उसके बाद पता लगता है कि वो मामला अलग निकल के सामने आया था, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया था लेकिन वो लॉरेंस बिश्नोई का आदमी नहीं था। अब ऐसे में इससे पहले आपको बता दें कि मुंबई में एक हत्याकांड हो जाता है जहाँ पर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, उसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ले लेता है। यहाँ पर अब सीएम योगी को धमकी दी जाती है, तो आखिरकार चल क्या रहा है प्रदेश और देश में, ये अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े होने लाजमी हो जाते हैं। क्योंकि अब मुख्यमंत्री को जब धमकियां आती हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रदेश जो है वो भी असुरक्षित होने की जो भावना है वो यहाँ पर पैदा हो जाती है। क्योंकि जब सीएम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको धमकियां मिल रही हैं, तो आखिरकार जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मेरी सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार मामला है क्या। सोनी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है और वो भी सीएम योगी को धमकी देना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर कोई भी हो उसको अगर धमकी दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है। क्या देख अपडेट है अभी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उनको धमकी मिली, लेकिन इस बार जो धमकी मिली ये थोड़ी अलग तरह की धमकी है। इसमें ये कहा गया कि अगर उन्होंने 10 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी जान को खतरा है। ऐसे में जो मुंबई पुलिस है उन्होंने यूपी से भी इसका फीडबैक लिया, यहाँ पर भी जाँच पड़ताल चल रही है कि आखिर ये धमकी भरा कॉल आया किसकी साइड से था, किस तरीके से कॉल किया गया था, इसके पीछे कौन कौन हो सकता है, इसके लिए भी जांच पड़ताल चल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बात और अहम है जो निकल कर ये आती है कि इससे पहले भी यूपी में भी कई बार उनको धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद यूपी पुलिस ने अलग अलग जगहों पे अरेस्ट भी किया है, लोगों को खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन अब ऐसे में ये उठता है कि आखिर इस प्रकार की धमकी, हालांकि अभी इससे पहले बाबा सिद्दीकी की जब हत्या की गई इसके बाद उनको धमकी मिली थी, इससे पहले पप्पू यादव को भी धमकी मिली थी, जो धमकियाँ जो आ रही हैं या ये लॉरेंस गैंग की तरफ से आ रही है या फिर कोई और कर रहा है, अभी ये एक सवाल बना। अच्छा, एक खास बात ये भी देखने को मिलती है कि अब लॉरेंस बिश्नोई थोड़ा सा फेमस हुआ तो लॉरेंस का नाम भी लेके सब लोग धमकी देने लग गए हैं, उसके बाद जब जांच होती है तो पता लगता है कि लॉरेंस की जो गैंग है उसका ये बंदा ही नहीं है, अपने आप में बड़े सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से भी क्या कुछ और कार्रवाई हो रही है इस मामले पर? ये कार्रवाई ये हो रही है कि पहले तो पुलिस सेल को जो कॉल आया महाराष्ट्र में, वहां से वो कॉल कहां से आया, किसने किया, उसकी फिलहाल ट्रेसिंग की जा रही है। इसके अलावा यूपी में भी इसके तरीके से फीडबैक के लिए भेजा गया कि वहां पे भी क्या सेल है, वहां पे किस तरह की कोई धमकी आई है या नहीं, इसके बारे में भी वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से अब सीएम को धमकी मिलना अपने आप में एक बड़ा विषय हो जाता है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री को जब धमकी मिलेगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। क्योंकि जब प्रशासन का कानून का भय नहीं रहेगा लोगों में, जब इस तरह की हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती है, पप्पू यादव को धमकी मिलती है, कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के आदमी ने धमकी दी है, लॉरेंस बिश्नोई धमकी दिलवा रहा है, लेकिन बाद में कुछ मामला और निकलता है वो, उसके बाद अब सीएम को धमकी मिलना अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो गई है। अब लेकिन प्रशासन इस पर किस तरीके से काम करेगा ये कहने की देखने वाली बात होगी। मेरे एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे अरुण, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। अरुण, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को धमकी देना, पहले देखिए पप्पू यादव को धमकी दी जा रही थी, उससे पहले सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं लगातार काफी समय से मिल रही हैं, अब सीएम को धमकी। देखिए, सबसे पहले तो ये धमकी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं दी गई, मुंबई में मुंबई पुलिस को कॉल आता है और इस तरह की धमकी दी जाती है। तो यहाँ पर एक नई अपडेट जो निकलकर सामने ये भी आ रही है कि मुंबई पुलिस की ओर से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, और 24 वर्षीय ये महिला बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि ये महिला जो है मानसिक रूप से अस्थिर भी है। हालांकि रिपोर्ट्स हैं, अभी मुंबई पुलिस की ओर से कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया है। देखिए, आमतौर पर जब ऐसा होता है कि एक माहौल बना दिया जाता है तो जितने भी लोग हैं, हमने देखा था अभी कुछ दिनों पहले ही, चाहे पप्पू यादव को धमकी देने का मामला आया हो, चाहे सलमान खान को कॉल करके धमकी देने का मामला आओ, तो देखिए इस तरह का जो है माहौल बना दिया जाता है और एक हॉक्स कॉल जो जिसे बोलते हैं फर्जी कॉल भी है वो भी शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, अब जो बाबा सिद्दीकी का मामला था, बाबा सिद्दीकी के जिस तरह से हत्या कर दी जाती है, देखिए कुछ घटनाएं जो है गंभीर होती हैं। हमने अभी जो है फ्लाइट्स में जो धमकी देने का मामला है वो चलन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए, बिल्कुल सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत चैलेंजिंग तो है ही,
और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये फर्जी कॉल्स ही साबित होती हैं अभी जैसे. हाँ, ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो सारी कॉल्स है फर्जी होती हैं, असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं. लेकिन बिल्कुल, लेकिन आप एज अ सिक्योरिटी आपको सुरक्षा तो मुहैया करानी पड़ती है, और खासतौर पर जब सीएम को ही धमकी दी गई है. देखिए, आज के समय में किसी भी चीज को कभी भी ट्रैक करना इतना मुश्किल नहीं रह गया है. तभी ये जानकारी सामने आ रही है कि आज धमकी सुबह धमकी दी जाती है और अभी तक एक गिरफ्तारी हो भी गई है. तो देखिए, आप बच नहीं सकते हैं. अगर आप ऐसा कोई फर्जी मजाक भी करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, ऐसा मजाक के तौर पर भी करना चाहें, तो बचना आसान नहीं है. बिल्कुल, तो ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है. किसी के लिए मजाक हो सकता है और किसी के लिए ये जो है पूरी सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस सिचुएशन बन जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, कहने की परेशानी जो है वो यहाँ पर बनती है. अब देखिए, सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं. उसके बाद अगर हम कुछ साल पहले की अगर बात करते हैं, तो ऐसा एक मामला पहले भी देखने को मिला था, जहाँ पर लगभग 20-25 साल पहले की बात कर लें, श्री प्रकाश शुक्ला नाम से एक बदमाश था. इसने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को धमकी दी थी, लेकिन तुरंत इस पर एक्शन हुआ था और एसटीएफ भी उसी वजह से बनाई गई थी. लेकिन अब जब ये सब चीजें हो रही हैं, चाहे सलमान खान को धमकी मिला, हालिम बाबर सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, तो ऐसे बदमाशों पर जो कि खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ हमने करवाया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, किन लोगों का संरक्षण है? बिल्कुल, देखिए, ये जांच का विषय तो बनता ही है कि किस तरह से जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इस तरह के अपराधी चाहे किसी भी गैंग के सदस्य हों, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, खुद को, खुद अपनी पहचान जाहिर करते हैं कि देखिए हमने इस तरह का हत्याकांड या जो भी आपराधिक चीज़ें हैं वो की हैं. तो ये बिल्कुल एक डायलेमा जैसा हो जाता है, एक सिक्योरिटी के हिसाब से या जो प्रशासन के लिए. तो देखिए, कार्रवाई होना बहुत जरूरी है ऐसे मामलों में, चाहे वो एक फर्जी कॉल हो, चाहे वो एक फर्जी तरीके से किया गया मामला हो. देखिए, आप पूरा माहौल समझिए, क्योंकि देखिए अब जहां एक एनसीबी नेता की हत्या हो गई और फिर सलमान खान के घर के बाहर तक गोलियां चली, और इस तरह के माहौल में अगर कोई इस तरह की धमकी देता है, तो बिल्कुल एक सीरियस सिचुएशन होती है, और इस पर कड़ी कड़ी कार्रवाई करके और एक एग्जांपल सेट करने की जरूरत है कि इस तरह का अगर कोई फर्जी कॉल्स भी कर रहा है. देखिए, एक बात होती है रियल थ्रेट, तो उससे डील करने के लिए अलग तरह की प्रोटोकॉल्स होते हैं सुरक्षा एजेंसियों के. लेकिन जब ऐसे फर्जी मामले आते हैं, तो उससे डील करने के अलग तरह के मामले होते हैं. देखिए, आपको एक एग्जांपल सेट करना होगा. आपको ये बिल्कुल, एक आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकता है, फोन हर किसी के पास है, किसी का नंबर निकालना आपके लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं है. तो आप आराम से किसी को भी कॉल करके और बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं. लेकिन देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप इस तरह की चीज करते हैं, तो इसका जो है आपको खामियाजा भुगतना होगा. और अगर हम सीरियस थ्रेट्स की बात करें, जो कि हाल ही के दिनों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, इसमें सुरक्षा एजेंसियों को भी बिल्कुल एक उनकी भी जिम्मेदारी बनती है. जो हाई वैल्यू थ्रेट्स हैं, जिनको पहले ही ऐसा खतरा जो है दर्शाया गया, जो हाई प्रोफाइल नेता है, देखिए सिक्योरिटी किसी चीज के लिए ही दी जाती है, या सुरक्षा एजेंसियां पूरे इस काम में बिल्कुल उनका पूरा मतलब उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है. देखिए, अगर लॉरेंस बिश्नोई की भी बात कर ले, चाहे वो जेल में है, लेकिन उसके गैंग के मेंबर्स जो हैं, जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, एक्टिव हैं, तो ये एक बिल्कुल सुरक्षा पर भी या सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो कि जेल में बंद है और वो जेल से ही पूरे जो है नेटवर्क को अंजाम दिलवा रहा है, काम को अंजाम दिलवा रहा है, कहने के बड़े सवाल है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए. तो देखिए, जिस तरीके से माहौल यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे में चिंताजनक माहौल है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है और हाल ही में कई जनसभाएं भी होंगी, मुख्यमंत्री भी जनसभाओं में शिरकत करेंगे, क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर भी वो लगातार जनसभाएं करते हैं. और जिस तरीके से हमने देखा कि कई लगातार मुख्यमंत्री अपने दौरे करते रहते हैं, स्टार प्रचारक के तौर पर जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो अपने आप में एक थोड़ा सा माहौल बन जाता है. और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त मुख्यमंत्री के साथ पहले से ही रहते हैं, क्योंकि देखिए जेड प्लस सिक्योरिटी है और तमाम तरीके की सिक्योरिटी उनको मिली हुई है मुख्यमंत्री रहते हुए. तो ऐसे में सेंधमारी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो थ्रेट्स लगातार आ रहे हैं, इन पर विचार विमर्श करना जरूरी है और ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई. और एक इस तरीके से मेरे सहयोगी अरुण ने भी बताया कि एग्जांपल सेट करने की जरूरत है, इससे ऐसी हरकतें कोई दोबारा जो है वो अंजाम न दे सके. और बदमाशों की धरपकड़ जिस तरीके से पुलिस कर रही है, उसमें थोड़ी तेजी लाने की और ज्यादा जरूरत है. फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर. खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें.